नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव पांडे और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। आज डालते हैं नजर यूपी के वाराणसी की ओर। मिर्जा मुराद संभागीय कृषि प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केंद्र वाराणसी द्वारा एक दिवसीय किसान मेला प्रदर्शनी एवं गोष्ठी का आयोजन कराया जा रहा है। यह मेला शनिवार 22 फरवरी को मेहंदीगंज के पूर्व माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में आयोजित होगा। गुरुवार को तैयारियों का जायजा लेने कृषि विभाग की टीम उक्त कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर बताया गया कि इस मेले में संभागीय कृषि प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केंद्र वाराणसी से जुड़े संस्थान, जिले के कृषि विभाग, विकास एजेंसियां, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र की कंपनियां किसानों के मार्गदर्शन के लिए स्टॉल लगाएंगी, किसानों को नई तकनीक के लिए जागरूक करेंगी। ये थी वाराणसी से संवाददाता राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आज मेहंदीगंज के स्कूल में आप किस तरह का निरीक्षण कर रहे हैं, क्या कुछ होने वाला है? बिल्कुल, यहाँ सोमवार को, शनिवार को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत किसान मेला और कृषि ज्ञान संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न विषयों के वैज्ञानिक, विभिन्न संस्थाओं के वैज्ञानिक नवीनतम कृषि तकनीकों के बारे में कृषकों को अवगत कराएंगे और किसानों की जो भी जिज्ञासाएँ होगी उसको उसका समाधान भी करेंगे। और उसी के साथ कृषि से संबंधित एक प्रदर्शनी का भी आयोजन यहाँ किया गया है, जिसमें किसान कृषि की नवीन तकनीकों, नए कृषि रक्षा रसायनों, उन्नतशील बीजों और विभाग से चलने वाली अन्य योजनाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये कार्यक्रम जैसा कि एक दिवसीय है, इसके लिए आप लोगों ने किस तरह की तैयारियाँ की है, किस तरह से किसान आएंगे, कितने किसान लाभान्वित होंगे? इससे हम लोगों का जो टारगेट है ये कम से कम 700 से ऊपर ही किसान हमारे आने चाहिए, जिस हिसाब से हमारी तैयारी है। हमारे सारे वर्कर फील्ड में लगे हुए हैं और सभी लोग फील्ड में कृषकों से संपर्क कर रहे हैं और कृषक भाई भी इसके लिए जिज्ञासु हैं। पिछले साल प्रधानमंत्री जी द्वारा गोद लिए गांव नागेपुर में कार्यक्रम हुआ, सफल भी रहा, क्या वहाँ के भी किसानों की सहभागिता है? बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये चूंकि हमारा सेंटर जो है पूरे मंडल के लिए काम करता है, तो बनारस डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ ही पूरा मंडल जो है, ये और विंध्याचल मंडल, दो मंडल कवर करता है ये हमारा सेंटर, तो सारे किसान इसके सहभागी हैं। इसके लिए हम लोगों ने अन्य जनपदों के जो कृषि निदेशक हैं और क्लास टू के जितने भी अधिकारी हैं सब लोगों को पत्र लिखे गए हैं कि ऑप्टन साहब कम से कम 50 कृषकों के साथ इसमें कुछ भाग करें। किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को सरकार ने घोषणा किया है, जिनको क्रेडिट कार्ड नहीं बनाया गया है उनको क्रेडिट कार्ड बनाना सुनिश्चित करे, क्या इस तरह का भी कुछ? मैं आपका महेंद्र कुमार सिंह। किस गांव में रहते हैं? मेहंदीगंज। क्या करते हैं? खेती। किस तरह खेती करते हैं? हर प्रकार की सब्जी, फल, अन्न, दलहन, तिलहन सब खेती। आज आपके यहाँ कुछ कृषि विभाग के अफसर अधिकारी आए हैं, किस मकसद उद्देश्य से आए हैं? वही मेला में भीड़ जुटाने के लिए। मेला तो पिछली बार भी लगा था, इस बार भी लगा। मेला में जाने से कुछ जानकारियाँ आप लोगों को मिलती है? नहीं, मेला में जाने से जानकारियाँ बहुत मिलती है, वैज्ञानिक लोग आते हैं, उनको बात सुनने को मिलती है, नई नई तकनीकी खेती करनी थी। तो इस बार भी आप लोग जाएंगे? जरूर जाएंगे हम लोग। इस बार तो आपके गांव में ही लग रहा है? अरे तो हम लोग जाएंगे, हम लोग गांव में है तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग पहुँचेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा जो किसान सम्मान निधि दिया जा रहा है किसानों को, वो आपको मिल रहा है? हाँ, हमको मिल रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड बना है आपका? नहीं, किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बना है। ठीक, तो किसान क्रेडिट कार्ड के लिए सरकार ने निर्देश दिया है बैंकों को, जिस बैंक में आपका खाता है किसान सम्मान निधि मिलता है उसी बैंक द्वारा आपका किसान क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले बनारस के जिलाधिकारी ने सबको निर्देशित किया है कि जो छूटे हुए किसान हैं जिनका क्रेडिट कार्ड नहीं बन पाया है वो अपना उसी बैंक से संपर्क करके क्रेडिट कार्ड बनाएं। आपको इस तरह कोई मैसेज, सूचना, जानकारी मिली है? नहीं, जानकारी तो मिली है, किसान सहायक के माध्यम से जानकारी मिली है। तो फार्म वगैरह भरा गया? फार्म वगैरह अभी भरे नहीं है, तो मौका नहीं मिला। तो आप आइए मेला में, आपका स्वागत है और वहाँ पर इस तरह की सारी सुविधाओं की जानकारी मिलेगी। ठीक, और आपका भी सुझाव हम लोगों को चाहिए किस तरह से खेती को आगे बढ़ाया जाए, किसान समृद्ध शक्तिशाली बने, किसान की आय दोगुनी हो। तो आप सारे किसान भाई बंधु आएंगे?
हम लोग तो आए भी हैं। हाँ ठीक। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि हमारा नया वीडियो आने वाला आपको जल्द से जल्द मिल जाए, और हमारे बेल आइकन को टैप करना ना भूलें।